गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक अगेन बेटा तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.4 पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर नाइन तो इलेवन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर नाइन आपका क्या कह रहा है? देखो आपको एक ऐसे फिगर गिवन है फिगर ये बाहर रेक्टेंगल है और अंदर क्या बना है एक सर्कुलर बेड बना है जिसमें आपको रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो टेन है और ब्रेथ लेंथ इज गिवन टू बी फाइव एंड ब्रेथ इज़ गिवन टू बी टेन मीटर एंड रेडियस ऑफ दिस फ्लावर बैथ इज गिवन टू बी टू मीटर ठीक है तो अब वो कह रहा है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट होल लैंड तो बेटा कंप्लीट लेंथ तो यही है और कंप्लीट लेंथ का मतलब क्या है सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं क्योंकि ये रेक्टेंगल वाले एरिया में ही तो सर्कुलर बेड है तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में length of rectangle length of rectangle is given to be 10 meter is given to be 5 meter and breadth of rectangle is given to be 10 meter now we have to find the area area is given to be length into breadth it means 5 into 10 this implies 50 meter square it means that 50 meter square is the area of that hole लैंड एरिया है बेटा किसका होल लैंड का नाउ मूव टू ओवर पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड तो ये आपका फ्लावर बेड है बेटा इस फ्लावर बेड की क्या निकालना है एरिया तो ध्यान से देखो बेटा ये सर्कल है क्या है सर्कल तो इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल तो ध्यान से देखो सबसे पहले क्या लिखोगे रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय टू मीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू टू इंटू टू क्योंकि टू का स्क्वायर है टू का स्क्वायर यानी कि टू को टू से मल्टीप्लाई करना है टू टू जा फोर फोर टू जा एट एंड फोर टू 8 तो एट्टी एट बाय सेवन मीटर स्क्वायर इज योर आंसर क्लियर अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे द एरिया ऑफ द लोन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बोर्ड वो बेड एक्सक्लूडिंग का मतलब निकाल देना अगर मैं इसमें से ये फ्लावर बेड निकाल दूं तो मेरे को इस बचे हुए पोर्शन का क्या निकालना है एरिया तो ध्यान से देखना बेटा बचे हुए का एरिया का क्या मतलब है इसमें से इसको क्या कर दूं माइनस तो यहां से क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज गिवन बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हो बेटा फिफ्टी माइनस एटी एट बाई सेवन द्ला से देखो सेवन फाइव से थर्टी फाइव थ्री फिफ्टी माइनस एटी एट टेन में से एट गया टू यहाँ क्या बचा फोर फोर्टीन में से एट गया 6. यहां पे क्या बचा टू तो कितना आ गया टू सिक्सटी टू बाय सेवन मीटर स्क्वायर कितना आ गया टू सिक्सटी टू बाय सेवन मीटर स्क्वायर अब आते हैं आपके लास्ट पार्ट पे लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है देखो बेटा द सर्कुलर द सर्कम फेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड क्या निकालनी है सर्कम फेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड तो सर्कम फेरेंस क्या होती है बेटा ये सर्कल है सर्कल का सर्कम फेरेंस होती है, क्या है टू पाई आर तो यहां से देखो क्या लिखोगे सर्कम फेरेंस फ्लावर बेड ऑफ़ फ्लावर बेड इज इक्वल टू टू पाई आर टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू रेडियस टू बी टू तो यहाँ से कितना आ गया टू जा फोर कितना आ आ गया? गया? और तो कितना मीटर स्क्वायर. ये क्या आ गई आपकी सर्कम फेरेंस तो ये था बेटा आपको क्वेश्चन नंबर नाइन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर टेन और इलेवन के साथ आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर थैंक यू सो मच